नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वरदा प्रसन्न साहू। वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे पाइप्स एंड देयर टाइप्स के बारे में। पाइप एंड देयर टाइप्स डिस्कशन करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। चलते हैं टॉपिक पर। जनरली पाइप्स जो होता है वो क्या होता है? जनरली हम पाइप इसलिए यूज करते हैं ताकि जो वाटर है हम एक जगह से दूसरे जगह वाटर को ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे। मतलब एक जगह से दूसरे जगह वाटर को हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे, इसलिए पाइप को यूज होता है। तो दैट मीन्स जो वाटर होता है वो जनरली ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? जनरली दो टाइप का कंडक्ट होता है। एक होता है ओपन कंडक्ट, एक होता है क्लोज कंडक्ट। ओपन कंडक्ट क्या होता है? ओपन कंडक्ट मीन्स अगर कोई चैनल है, नहीं तो कोई टनल है, मतलब इसके ऊपर कोई कवर नहीं है, तो उसको बोलते हैं ओपन कंडक्ट। That means its top surface is not closed, it is open to atmosphere. But in the pipe cases, it is a circular conduit. That means it is a closed conduit. Okay? जिसके अंडर हम लोग क्या करेंगे, वाटर को फ्लो कर पाएंगे, ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे अंडर प्रेशर। क्लियर? जो पाइप होता है वो जनरली वेरियस मटेरियल से कंस्ट्रक्ट होता है। जैसे कि एग्जांपल, आपको कास्ट आयरन का पाइप मिलेगा, रॉट आयरन का पाइप मिलेगा, स्टील का पाइप मिलेगा, सीमेंट कंक्रीट का पाइप मिलेगा, एस्बेस्टस का पाइप मिलेगा, पीवीसी का पाइप मिलेगा, प्लास्टिक पाइप मिलेगा। ये सब बहुत सारा टाइप्स का पाइप हम लोग जनरली डे टू लाइफ में हम लोग यूज करते हैं। तो जो काम होता है पाइप, जनरली पाइप हम लोग वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, वाटर सप्लाई के लिए हम लोग जनरली पाइप को यूज करते हैं। चलते हैं, डिस्कशन करते हैं वन बाय वन। टाइप्स ऑफ पाइप में फर्स्ट जो पाइप आता है उसको बोलते हैं कास्ट आयरन पाइप। जो कास्ट आयरन पाइप होता है वो जनरली हम लोग ज़्यादातर जो वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट है, जो वाटर सप्लाई स्कीम है, उसमें ज़्यादातर हम लोग कास्ट आयरन पाइप को यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि ये जो कास्ट आयरन पाइप होता है, इट इज़ हाईली रेजिस्टेंस टू करोजन। दैट मीन्स इसके अंदर करोजन होने का चांसेस कम है। ऑब्वियसली जो मटेरियल में करोजन नहीं होगा तो ये क्या करेगा, उसका लाइफ पीरियड वो ज़्यादा कर लेगा। दैट मीन्स एक कास्ट आयरन पाइप का जो लाइफ पीरियड होता है वो लगभग 100 ईयर होता है। और जो कास्ट आयरन जनरली जो मार्केट में कास्ट आयरन मिलता है उसका लेंथ कितना रहता है? जनरली उसका रेंज रहता है 2.5 मीटर से लेकर 5.5 मीटर तक। ओके? तो जो पाइप मिलता है जनरली कास्ट आयरन पाइप को हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे पाइप को जॉइंट करते हैं। तो जॉइंट जो होता है जनरली कास्ट आयरन पाइप में, वो जॉइंट हम लोग बेल एंड स्पाइगर जॉइंट में कर सकते हैं, नहीं तो थ्रेडेड जॉइंट भी हो सकता है कास्ट आयरन पाइप में, नहीं तो फ्लैंज जॉइंट में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, दो पाइप को मिलाकर जॉइंट करेंगे, तभी तो उसका एलोंगेशन करेंगे और उसका लेंथ बढ़ाएंगे ना। ओके? तो ये जो कास्ट आयरन पाइप है उसका मेन एडवांटेज क्या है, इसका जो जॉइंट है, दो पाइप को जब मिलाना है, जब जॉइंट करना है, वो बहुत इजी प्रोसेस रहता है। और उसके साथ साथ ये हाई इंटरनल प्रेशर भी बियर करता है, मतलब पाइप के अंदर हाई इंटरनल प्रेशर वो रेजिस्ट कर पाता है। एंड ऑब्वियसली प्रीवियसली मैंने बोला है इसका जो लाइफ है वो लॉन्ग लाइफ है, एंड इट इज ऑल्सो करोजन फ्री और लेस करोजन। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट पाइप।
नेक्स्ट जो पाइप होता है आप लोग का रॉट आयरन पाइप होता है, वो रॉट आयरन पाइप, रॉट आयरन पाइप बारे पढ़ेंगे। तो रॉट आयरन पाइप जनरली इट इज मैन्युफैक्चर्ड रोलिंग ऑफ द फ्लैट प्लेट्स। दैट मीन्स ये जो रॉट आयरन पाइप कैसे बनता है, जो फ्लैट पाइप है, जो फ्लैट प्लेट है, फ्लैट प्लेट मतलब प्लेन, जैसे कि रेक्टेंगुलर प्लेट होगा, हम लोग उसको करते हैं रोलिंग, करते हैं रोलिंग करके क्या बनाते हैं, फ्लैट प्लेट को पाइप के शक्ल में हम लोग उसको क्या करते हैं, बना देते हैं। और जब बनाएंगे तो उसका जो एजेस होगा, दो एजेस होगा, उसको हम लोग क्या करते हैं, वेल्डिंग करते हैं, फिर ये रॉट आयरन पाइप बन जाता है। तो इट इज़ मोर लाइटर, दैट मीन्स जो हमारा जो कास्ट आयरन पाइप था उसके कंपैरिजन में रॉट आयरन पाइप जो होता है वो लाइटर होता है, हल्का होता है, इजीली कट, हम लोग उसको इजीली कट कर सकते हैं, इजीली थ्रेडेड, मतलब थ्रेड भी अगर कोई थ्रेड बनाना है उसमें तो इजीली थ्रेड भी कर सकते हैं, दिखने के लिए अच्छा भी है। और ज़्यादातर ये जो रॉट आयरन पाइप होता है ये इंटीरियर वर्क, मतलब घर के अंदर जो वर्क होता है, इसके लिए हम यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे, क्योंकि अगर घर के बाहर हम लोग उसको यूज करें रॉट आयरन पाइप, तो इट इज़ इसमें क्या होता है, जल्दी करोजन होने का चांसेस है। क्लियर, अगर पाइप करोजन हुआ तो पाइप डेट्रेशन हो जाएगा और उसका लाइफ पीरियड कम होने का चांसेस है। सो इट इज कॉस्टली, दैट मीन्स इट इज कॉस्टली एंड लेस ड्यूरेबल। ऑब्वियसली इट इज कॉस्टली होगा एंड ये जो होता है ये ड्यूरेबल उसका कम होता है। क्लियर, ये जो रॉट आयरन पाइप होता है तो ये कैसे जॉइंट होता है, मतलब दो पाइप को हम लोग जो जॉइंट बनाते हैं इसमें कैसा जॉइंट, जनरली इसमें जो रॉट आयरन पाइप हम लोग यूज करते हैं इसमें कपलिंग जॉइंट देते हैं, नहीं तो स्क्रूड जॉइंट देते हैं, नहीं तो सॉकेट जॉइंट, ये सब जॉइंट हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो मैंने पहले से भी बोला है ये जो जनरली रॉट आयरन पाइप हम इनसाइड बिल्डिंग यूज करेंगे ड्यू टू ऑफ कोरोजन। तो कभी कभी रॉट आयरन पाइप पे हम लोग क्या करते हैं, उसका लाइफ इंक्रीज करने के लिए, मतलब कोरोजन फ्री रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके जो रॉट आयरन पाइप हम बनाते हैं फ्लैट प्लेट से, इसके चारों तरफ हम लोग क्या एक गैल्वन मतलब जिंक कोटिंग एक देते हैं, ताकि क्या होगा, कोरोजन ना हो पाए और उसका लाइफ इंक्रीज कर पाए। तो नेक्स्ट आता है स्टील पाइप। स्टील पाइप मीन्स हम लोग स्टील पाइप वही जगह पर यूज करेंगे जहाँ पर हम मान लो पानी का प्रेशर ज़्यादा आ रहा है, मतलब ज़्यादा प्रेशर, जहाँ पर पानी का प्रेशर ज़्यादा है एंड वो जो पाइप का डायमीटर, बड़ा बड़ा पाइप चाहिए, डायमीटर उसका बड़ा चाहिए, उसके साथ साथ ये क्या करेगा, ये पानी का प्रेशर ज़्यादा ले सकेगा। दैट मीन्स अगर हम स्टील पाइप की वजह से और कोई पाइप यूज करेंगे तो क्या होगा, उसका अगर बड़ा बड़ा डायमीटर का पाइप यूज करेंगे तो उसका वेट ज़्यादा होने का चांसेस है। तो इसलिए हम स्टील पाइप यूज करते हैं, क्योंकि ये हाई प्रेशर रेजिस्ट करता है, उसके साथ साथ अच्छा खासा, दैट मीन्स इट इज़ स्ट्रांग। ऑब्वियसली स्टील इज मोर स्ट्रांगर देन द CI पाइप। स्टील ये अच्छा स्ट्रांग होता है, कम वेट वाला भी होता है, इजीली ट्रांसपोर्ट, मतलब एक जगह से दूसरे जगह हम इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं एंड पहले से बोला हूँ ये हाई प्रेशर जो होता है वाटर का उसको विथस्टैंड करता है, उसको बियर कर लेता है। क्लियर, लेकिन इसमें एक खामियां है जो कि क्या है, इट कैन नॉट विथस्टैंड एक्सटर्नल लोड, मतलब ये क्या है, इंटरनल प्रेशर तो रेजिस्ट कर लेता है लेकिन ये जो एक्सटर्नल लोड होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पार्शियल वैक्यूम, अगर पाइप अंदर पार्शियल वैक्यूम हुआ, अगर पाइप को रैपिडली हम लोग क्या कर रहे हैं, एम्प्टिंग कर रहे हैं, तो ड्यू टू द एक्सटर्नल लोड ये क्या होता है, इसको ये बियर नहीं कर पाता है। और जो स्टील पाइप होता है उसका और एक डिसएडवांटेज ये होता है कि ये जो होता है इज अफेक्टेड बाय करोजन, मतलब ये जल्दी क्या होता है, करोजन होने का चांसेस है, अगर करोजन हुआ
तो ये स्टील पाइप को हम लोग को मेंटेन करने के लिए बहुत कॉस्टली हम लोग लग जाएगा उसको मेंटेन करने के लिए, मतलब हम लोग को ज़्यादातर कॉस्ट हमको उस पर एक्सपेंडिचर करना पड़ता है मेंटेन करने के लिए। तो ये जो स्टील पाइप होता है जनरली उसका लाइफ पीरियड कितना होता है, 25 से लेकर 50 ईयर्स होता है एज कंपैरिजन टू द सीआई पाइप। तो सीआई पाइप में कितना था, 100 ईयर्स था कास्ट आयरन पाइप में। तो ये स्टील पाइप में लगभग स्टील पाइप जो होता है कास्ट आयरन पाइप से उसका जो लाइफ होता है आधा होता है, आधा और आधा से कम। सो ये जो जनरल स्टील पाइप होता है हम इसको वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो होता है हमारा वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम उसमें हम ज़्यादातर यूज नहीं करते हैं, क्योंकि अगर हम इसमें जॉइंट करेंगे कनेक्शन करेंगे इसमें प्रॉब्लम आता है, इसलिए हम वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में स्टील पाइप को यूज नहीं करते हैं। तो ये जो स्टील पाइप होता है इसमें जॉइंट जनरली कैसे होता है, ये स्टील पाइप में हम लोग जॉइंट करेंगे बाय द हेल्प ऑफ वेल्डिंग, वेल्डिंग के जरिए हम उसको जॉइंट करेंगे, नहीं तो राइवेटिंग के जरिए हम लोग उसको जॉइंट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आप लोग का आता है कंक्रीट पाइप। कंक्रीट पाइप जनरली मेड ऑफ कंक्रीट, मतलब हम क्या करेंगे कंक्रीट और स्टील रिइंफोर्समेंट के जरिए हम लोग बनाएंगे जो पाइप उसको बोलते हैं कंक्रीट पाइप। देखिए कंक्रीट पाइप जो होता है दो टाइप का हो सकता है, एक होगा प्रीकास्ट, उसको पहले से हम लोग बना सकते हैं, नहीं तो एक कास्ट इन सीटू, मतलब साइट पर भी एक बना सकते हैं। क्लियर। सो इट मतलब कंक्रीट के हिसाब से अगर हम पाइप बनाएंगे दो टाइप का पाइप बन सकता है, एक प्लेन कंक्रीट पाइप हो सकता है, एक रेनफोर्स्ड कंक्रीट पाइप भी हो सकता है। प्लेन कंक्रीट पाइप कहाँ पर यूज करेंगे, अच्छा प्लेन कंक्रीट पाइप हम उस जगह पर यूज करेंगे जहां पर वाटर का प्रेशर कम रहता है, हम उस जगह पर क्या करेंगे प्लेन कंक्रीट का जो पाइप हम बनाते हैं उसमें उसको यूज कर सकते हैं। क्लियर। और उसका जो जॉइंट जनरली होगा प्लेन कंक्रीट का, उसका जॉइंट हम कैसे करेंगे, बेल एंड स्पाइगर जॉइंट जनरली वहां पर प्रिफर करते हैं, और उसका डायमीटर रहेगा 60 सेंटीमीटर डायमीटर रहेगा। अगर कहीं जगह पर हम लोग को ज़रूरत पड़ गया कंक्रीट पाइप बनाना है और उसका डायमीटर भी इंक्रीज करना है मोर देन 60 सेंटीमीटर करना है, तो वो जगह पर हम लोग क्या करेंगे, और क्या है और उसका प्रेशर भी ज़्यादा बियर कर लेगा ऐसे बनाना है, तो उस जगह पर हम लोग क्या करेंगे आरसीसी पाइप हम लोग यूज करेंगे, मतलब रेनफोर्स्ड कंक्रीट पाइप हम लोग उसको प्रीफर करेंगे। तो जो रेनफोर्स्ड पाइप हम लोग प्रीफर करते हैं उस पर हम लोग जनरली कोलार जॉइंट हम लोग देते हैं, मतलब दो पाइप को जॉइंट करने के लिए कोलार जॉइंट को प्रीफर करते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर एक एडवांटेज क्या है कंक्रीट पाइप में, ये क्या होता है जो पानी के जरिए कोई करोजन होने का चांसेस नहीं है पाइप, दैट मीन्स इट इज़ नॉट करोडेड बाय द वाटर। दैट मीन्स अगर कंक्रीट कोरोड नहीं होगा करोजन नहीं होगा तो ये क्या होगा इसका लाइफ पीरियड ऑब्वियसली इंक्रीज हो जाएगा, लगभग टू 75 ईयर्स इसका होता है लाइफ पीरियड। एंड इसका जो कैरिंग कैपेसिटी है थ्रू आउट द लाइफ इट इज डजंट रिड्यूस, अगर करोड नहीं हो रहा है कुछ डेटोरेट नहीं हो रहा है दैट मीन्स उसका जो कैरिंग कैपेसिटी है वो रिड्यूस नहीं होता है। एंड इसका मेंटेनेंस ऑब्वियसली अगर कोई करंट नहीं आएगा तो मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम रहेगा। लेकिन ये कंक्रीट पाइप में एक दिक्कत है, दिक्कत क्या है ये बहुत हैवी होता है, बहुत वजनदार होता है और डिफिकल्ट टू हैंडल, बहुत मुश्किल से उसको डिफिकल्ट टू हैंडल, मुश्किल से उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक जगह से दूसरे जगह लेने के लिए बहुत प्रॉब्लम आता है। क्लियर। ये क्या होता है देखिए ना इंस्टेंट हाई प्रेशर, ये इतना प्रेशर विथस्टैंड नहीं कर पाता, हाई प्रेशर को विथस्टैंड नहीं कर पाता है। और एक चीज़ है अगर उसको कहीं रिपेयर लग गया, मतलब कहीं पर मेंटेनेंस
आरसीसी में जनरली नहीं मांगता है, अगर कहीं पर हो गया तो उसको मेंटेन करने बहुत कॉस्टली हो जाएगा और वेरी डिफिकल्ट भी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं सीमेंट लाइंड सीआई पाइप। जनरली आप लोग फिगर देखिए, फिगर में इसमें क्या होता है, जनरली जो कास्ट आयरन होता है इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक सीमेंट का पेरीफेरी में, इसके अंदर इसके पेरीफेरी में हम लोग क्या करते हैं, एक सीमेंट का मोटर चारों तरफ लाइनिंग करते हैं। सीमेंट का मोटर देखिए फिगर में देखिए, इसके अंदर जो व्हाइट वाला पार्ट है इसमें क्या है, सीमेंट मोटर चारों तरफ हम लोग क्या ये लगाए हुए हैं। तो ये सब जो ये क्या करते हैं, क्योंकि इसके लिए हम सीमेंट मोटर क्यों डालते हैं, क्योंकि ये कोरोजन काम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सीमेंट मोटर देते हैं पाइप के अंदर। तो सीमेंट मोटर देने से वो जो कितना जो देंगे उसका प्रोपोर्शन क्या रहेगा, सीमेंट विद सैंड का प्रोपोर्शन रहेगा 1:2, ओके रेशियो रहेगा। और उसका थिकनेस, लाइनिंग का थिकनेस कितना रहेगा, चारों तरफ जो सीमेंट मोटर डालेंगे लगाएंगे पेरीफेरी में, वो रहेगा 3 mm से लेकर 6 mm तक। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं एस्बेस्टस सीमेंट पाइप। तो ऑब्वियसली जो एस्बेस्टस सीमेंट पाइप होता है ये एक मिक्सचर होता है, मतलब इट इज़ अ कंपोजिशन ऑफ और इट कैन बी मैन्युफैक्चर बाय द हेल्प ऑफ सीमेंट एंड एस्बेस्ट फाइबर्स। मतलब सीमेंट एंड एस्बेस्ट फाइबर का जो मिला जुला जो मिलाकर जो पाइप बनाएंगे उसको बोलते हैं एस्बेस्टस सीमेंट पाइप। इसका फायदा क्या है, ये बहुत ही लाइट होता है, मतलब बहुत हल्का होता है और उसको हम इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं एक जगह से दूसरे जगह, हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, इजीली कट कर सकते हैं, इजीली फिट कर सकते हैं, इजीली ड्रिल कर सकते हैं, इजीली ट्रैप एंड जॉइंट भी कर सकते हैं। मतलब ये सब चीज़ उसका एडवांटेज में चला गया। और जो आपका एस्बेस्ट सीमेंट पाइप है ये दिखने के लिए बहुत स्मूथ होता है एंड इट डज नॉट अफेक्ट बाई करोजन, मतलब ये करोजन अफेक्ट होने का कोई चांसेस नहीं है। दैट मीन्स अगर करोजन का चांसेस नहीं है तो जो वाटर कैरिंग कैपेसिटी उसका है वो ज़्यादा होता है और अच्छा होता है। और इसका मेन डिसएडवांटेज है, ये जो एस्बेस्ट सीमेंट जो पाइप होता है ये जनरली ब्रिटल इन नेचर होता है, मतलब कास्ट आयरन भी ब्रिटल इन नेचर होता है एंड एस्बेस्ट सीमेंट पाइप भी ब्रिटल इन नेचर होता है, मतलब तोड़ क्रैक होने का चांसेस ज़्यादा रहता है इसमें और ये कॉस्टली होता है। सो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसका ये डिसएडवांटेज है। क्लियर। जनरली ये जो पाइप होता है ये जनरली स्मॉल साइज होता है और इसको हम यूज करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, और ये स्मॉल पाइप मिलता है मार्केट में। नेक्स्ट आता है कॉपर एंड लीड पाइप। जनरली अगर कहीं पर हम लोग को वाटर सप्लाई करना है और जो वो वाटर हम सप्लाई करेंगे वो वाटर हॉट वाटर होगा, तो हम लोग वहाँ पर जब हॉट वाटर सप्लाई का ज़रूरत पड़ जाए तो वहाँ पर हम लोग ज़्यादातर कॉपर पाइप का यूज करते हैं। कॉपर पाइप हम लोग जनरली यूज करते हैं हॉट वाटर सप्लाई के लिए। ये जो कॉपर पाइप होता है इसमें भी करोजन नहीं होता है, ये स्मूथ होता है एंड अगर वाटर में कुछ अमाउंट का एसिड भी है ये क्या करता है, उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। क्लियर। उसको भी यू कैरी कर लेता है। नेक्स्ट आता है आप लोग का लीड पाइप। लीड पाइप जनरली हम लोग क्या है, इसको इंडिया में नहीं यूज करते हैं बिकॉज लीड के जरिए अगर हम वाटर सप्लाई करेंगे तो वो लीड पॉइजनिंग होने का चांसेस है। सो उसको हम लोग इंडिया में ज़्यादातर यूज नहीं कर सकते हैं, नहीं करते हैं, बट दे कैन बेंड इजीली, उसको हम इजीली बेंड कर सकते हैं और ये भी प्रेशर अच्छे खासा ले लेगा एंड इट इज़ जनरली दीज आर मोस्ट यूज्ड इन सैनिटरी फिटिंग्स
एंड कैन नॉट यूज इन हॉट वाटर सप्लाई, मतलब लीड पाइप जो होता है हॉट वाटर सप्लाई के लिए यूज नहीं होता है, लेकिन कॉपर पाइप यूज होता है हॉट वाटर सप्लाई के लिए। लेकिन लीड पाइप को हम लोग जनरली क्या होता है, जो हमारा जो सैनिटरी फिटिंग्स है, जो हमारा वेस्टेज है उसको कैरी करने के लिए, हाउस होल्ड वेस्टेज, सोएज और सैनिटरी फिटिंग्स, उसमें हम लोग जनरली यूज करते हैं कौन सा, लीड पाइप, सॉरी हाँ लीड पाइप यूज करते हैं। नेक्स्ट आते हैं आपका वुडन पाइप पर। वुडन पाइप जनरली प्रीवियसली यूज हो रहा था, आजकल ये आउटडेटेड है। लेकिन वुडन पाइप क्या होता है, वुडन पाइप में भी हम लोग इजीली उसको रिपेयर कर सकते हैं, ये बहुत हल्का होता है, इसका भी वाटर करोजन होने का कोई चांसेस नहीं है, और मतलब इजीली उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, बिछा सकते हैं। लेकिन वुडन पाइप में एक प्रॉब्लम है, ये क्या करेगा, पानी लीक होने का चांसेस है, जब वाटर का प्रेशर वैरी करेगा, कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम, इसे वैरी करेगा, तो ये क्या करेगा, लीक होने का चांसेस है। लीक क्यों होता है, क्योंकि इट कैन नॉट विथस्टैंड हाई प्रेशर, ये हाई प्रेशर विथस्टैंड नहीं कर पाता है। तो अगर हाई प्रेशर विथस्टैंड नहीं कर पाता है तो ये कोलैप्स होने का चांसेस है, डिटेरियरेट होने का चांसेस है। सो दिस पाइप आर नॉट सुइटेबल फॉर इंटरमिनेंट वाटर सप्लाई सिस्टम, बिकॉज अगर हम वुडन पाइप को वाटर सप्लाई में यूज करेंगे उसका दिक्कत क्या है, क्योंकि दीज पाइप्स आर अफेक्टेड बाय, ये जो पाइप होता है ये अफेक्टेड बाय व्हिच वेट रॉट, क्लियर, ऑब्वियसली पानी जाएगा तो इसके अंदर वेट रॉट रहेगा, एक होता है ड्राई रॉट, एक होता है वेट रॉट। वेट रॉट जो होता है उसको क्या करेंगे, डिके करेंगे और उसको डेटरेट कर देंगे। तो ये वुडन पाइप जनरली आजकल हम लोग यूज नहीं करते हैं। चलते हैं प्लास्टिक पाइप पर। जो प्लास्टिक पाइप होता है वो ज़्यादातर आजकल हम लोग क्या करते हैं, नाउएडेज प्लास्टिक पाइप जो होता है ये ज़्यादातर हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि उसका बहुत सारा एडवांटेज है, जैसे कि ये करोजन रेजिस्टेंस है, इसके अंदर कोई करोजन लगने का चांसेस नहीं है, ये बहुत ही हल्का होता है एंड बहुत कम पैसे भी मिल जाते हैं और इजीली ट्रांसपोर्ट भी होते हैं। तो इसलिए ज़्यादातर हम लोग आजकल प्लास्टिक पाइप का यूज करते हैं। प्लास्टिक पाइप देखिए, प्लास्टिक पाइप फॉलोइंग वेरियस टाइप्स का होता है, नंबर वन LDPE पाइप, नंबर टू HDPE पाइप, नंबर थ्री पॉलीथीन पाइप, नंबर फोर PVC पाइप। LDPE पाइप मीन्स लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन, HDPE मीन्स हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन। नेक्स्ट है पॉलीथीन पाइप, फोर्थ वन इज पॉलीविनाइल क्लोराइड पाइप, दीज आर द प्लास्टिक पाइप। नेक्स्ट आप लोग का आता है वट्रीफाइड क्ले पाइप। ये जो वट्रीफाइड क्ले पाइप होता है, फिगर देखिए, ये जनरली क्ले से बनता है, इसका जो वाटर कैरिंग कैपेसिटी है, मतलब वाटर प्रेशर, अगर वो वाटर प्रेशर इसमें क्या है, अगर ये क्या होता है, जनरली ज़्यादा वाटर प्रेशर को विथस्टैंड नहीं कर पड़ता है। तो दीज आर नॉट कॉमनली यूज फॉर वाटर कैरिंग वाटर अंडर प्रेशर, अगर वाटर कहीं पर प्रेशर में आ रहा है तो ये वट्रीफाइड क्ले पाइप उसको हैंडल नहीं कर सकता है। तो ये जनरली वट्रीफाइड क्ले पाइप जो क्ले से बनता है उसको जनरली हम लोग क्या यूज करते हैं, सोएज ड्रेन वाटर, मतलब जो जो हमारा लैट्रिन का पानी, नहीं तो कहीं पर जो स्वेज का वाटर है उसको हम एक जगह से दूसरे जगह को क्या करें, ट्रांसपोर्ट करने के लिए उसको हम लोग यूज करते हैं वट्रीफाइड क्ले पाइप्स। लेकिन ये जो पाइप होता है बहुत स्मूथ सरफेस देता है एंड अपियरेंस अच्छा रहता है, और इसका करोजन होने का भी कोई चांसेस नहीं है, रॉस्ट होने का भी कोई चांसेस नहीं है। तो वट्रीफाइड क्ले पाइप जो होता है इसमें जनरली हम लोग जो वाटर सप्लाई सिस्टम है हम इसमें नहीं यूज करते हैं, इसको सिर्फ स्वरेज सिस्टम में हम लोग इसको यूज करते हैं। तो ये था पूरा का पूरा वीडियो रिगार्डिंग पाइप्स एंड देयर टाइप्स। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा प्लीज़ अगेन मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए।
जय हिंद।